खबर आजमगढ़ जनपद से जहां नगर पंचायत जहानागंज से भाजपा के बैनर तले नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रंजीत वर्मा को टिकट मिला, तो वहीं गोरखपुर से बीती रात 12 बजे सीधे जहानागंज नगर पंचायत पहुंचे तो वहां नगर पंचायत के लोगों ने उनका भव्य स्वागत और चुनाव जिताने की बात की। इस दौरान रंजीत वर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आपके साथ मनोज दुबे, इस समय मैं आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र और जहानागंज जो है नगर पंचायत क्षेत्र में जो है मैं खड़ा हूँ। इस समय जो है अभी जो है जस्ट गोरखपुर से चलकर आए हुए हैं हमारे साथ और इनको भाजपा से टिकट मिला है। युवा प्रत्याशी हैं और काफ़ी कर्मठ और लगनशील है। इनसे आज हम मिलते हैं और बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह जुनून इनके अंदर आया कहाँ से और यह इनको प्रेरणा कहाँ से मिली कि जो है ये आज जो है समाज सेवा करने के लिए या समाज के बीच में उतरे हैं। तो इनसे ही मैं बात करता हूँ और इनका परिचय सबसे पहले मैं जानता हूँ। सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम रंजीत वर्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ। हाल ही में मुझे नगर पंचायत जहानागंज से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में नगर पंचायत जहानागंज के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेजा। सर, ये बताइए, ये आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई कि जो है शुरुआती आप कैरियर बताइए कि आप राजनीति में उतरे कैसे? सन 2012 में मैं अपने जो आज नगर पंचायत जहानागंज के नाम से जाना जा रहा है, कभी वो ब्रातिल जगदीशपुर ग्राम पंचायत था, मैं वहीं का निवासी हूँ। युवा कुछ बदलाव की दिशा में हमेशा चलता है, तो मुझे ये हमेशा महसूस होता था कि मैं भी कुछ बदलाव करूँ। तो जरिया नज़र आया कि समाज सेवा से बढ़ के कोई बदलाव नहीं हो सकता, हर कोई अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है। विवेकानंद जैसे लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, गांधी जैसे लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को पढ़ते हुए ये समझ में आया कि परिवार के साथ साथ समाज सर्वप्रथम है, तो समाज को देखूंगा तो परिवार उसमें आ जाता है। और सर, ये बताइएगा, आप इस समय जो है जहानागंज इसमें जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो जहानागंज में तमाम सारी समस्याएँ हैं, तो इसमें आपका जो आपने जो घोषणा पत्र बनाया है उस घोषणा पत्र में आपका क्या क्या है? घोषणा पत्र कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मुझे कुछ ही घंटों पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है प्रत्याशी के रूप में। घोषणा पत्र तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का है, हम उसके छोटे से सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। पार्टी जैसा निर्देश करेगी हम वैसा कार्य करेंगे। और आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती आई है और मांगती रहेगी। अनेक कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत में ही नहीं, विधानसभा में ही नहीं, लोकसभा में ही नहीं, पूरे भारत में, राज्य से ऊपर उठ के पूरे भारत के बाहर भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसने हल किया। जैसे कि इंटरनेशनल मुद्दा था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बाद हमारे कि जैसे कि जो है अगर जहानागंज की जनता जो है आपके सर पे ताज रख देती है तो क्या वाकई में जो है यहाँ का विकास हो पाएगा, या फिर जो है आम नेताओं जैसे जो है, जो चूंकि नेताओं का मतलब है कि टोटल झूठ बोलना, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, चूंकि जो उनके वादे होते हैं उन वादों पे खरा उतरना एक बड़ी बात होती है, तो क्या उन्हीं लोगों में से आपकी गिनती होगी या फिर यहाँ की जनता आपको दोबारा फिर जो है ये कहेगी कि नहीं वो बढ़िया थे चेयरमैन और उन्हीं को हम फिर दोबारा चुने? नेता से पहले मैं एक युवा हूँ जी, और युवा बदलाव के नाम पे जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में मेरा पदभार हुआ है, मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं युवा हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ युवा हमेशा बदलाव के नाम पे जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है बदलाव अच्छा होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी के रूप में अगर मुझे लड़ाया जा रहा है प्रत्याशी के रूप में और भारत जनता ने अगर मुझे अपना मैंडेट दिया, आशीर्वाद दिया, अगर सौभाग्य से मैं नगर पंचायत जहानागंज का अगर अध्यक्ष बना तो वादा नहीं इरादा लेकर आया हूँ, काम करूंगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपको भी पता है, हमको भी पता है, सब पे काम किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्य को लेकर किया जाएगा और सब जनता को विश्वास में लेकर सारा कार्य होगा। सर, ये तो मैं जान भी रहा हूँ, मैंने देखा भी है, आज से 2 साल पहले मेरी खुद की गाड़ी जो है रात में 2 बजे जो है फंस गई और 2 बजे रात में जो है आपको फ़ोन किया और आपने पेट्रोल पंप खुलवा के जो है मुझे तेल देने का काम किया। आपका पेट्रोल पंप भी चलता है और मैं उस समय से काफ़ी प्रभावित हूँ कि वाकई आप जो है समाज सेवी हैं। इसके लिए आपने जो है समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं आज नगर पंचायत जहानागंज से भाजपा प्रत्याशी रंजीत वर्मा और राजा ने बीजेपी के बैनर तले आज नामांकन किया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह व अन्य पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। ऐसे में पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान रंजीत वर्मा और राजा ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। जी प्रणाम, मैं रंजीत वर्मा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, जिला महामंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास दिखाकर नगर पंचायत जहानागंज से चेयरमैन पद के लिए मुझे आगे किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष पद, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से विकास का ही अपना एक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर ही जनता के बीच में है और रहेगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है नगर पंचायत जहानागंज से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी ने इतना काम किया है केंद्र से लेकर प्रदेश तक कि बस पार्टी के काम को ही गिना करके हम लोग जनता से वोट ले सकते हैं। जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे। कितने सीटों पर नामांकन किया? हमने अपना नामांकन एक सेट में किया। भाजपा के और नेता थे वो भी जहानागंज से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको सिंबल देती है वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वही भारतीय जनता पार्टी का नेता है। जनता की क्या समस्या है जहानागंज? जहाँ तक मुझे लगता है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार जनता की हर एक समस्या का समाधान कर रही है। जनता की क्या समस्या है? जनता की समस्या जनता बताएगी, पार्टी अपना काम कर रही है। जनता क्या का समस्या है? क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच? जनता जहानागंज में अनेक बहुत से कार्य हो रहे हैं। अभी नवसृजित नगर नगर पंचायत जहानागंज है, लेकिन उसके पहले भी नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव होने से पहले पहले लाइट का काम, रोड का काम, नाले का काम, शौचालय का काम, आवास का काम, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड, ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं। अब अगर अध्यक्ष पद हमको मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति पे आगे बढ़ के जनता का विश्वास जीतने का कार्य। किससे तक का मांग समस्या क्या है जनता का? जहाँ तक हमको लगता है जनता की कोई समस्या नहीं, जनता को ईमानदार प्रत्याशी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगा के हमको भेजा है, हम जनता की हर एक समस्या को देखेंगे, सुनेंगे और पार्टी के दिशा निर्देश में उसको पूरा करने का प्रयास। समस्या क्या है जनता? अभी तक हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जनता की कोई विशेष समस्या है। जो समस्या होगी उसका निदान, आज जो समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा। किससे टक्कर मांग रहे हैं जी? किससे टक्कर मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का अगर चुनौती किसी से है तो बस यही है कि समस्या से हमारी चुनौती है और किसी से नहीं है। और समस्या हमको दिख नहीं रही है तो चुनौती किसी से नहीं है।